इनके लब रंगी मिठावर के जिसने 1 सवाल है, इनका नाम ईशु इन्होंने लिखा है और इनका ईशु ये है कि मस्जिद जो है मकान ठीक बगल में मस्जिद के हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये कि अगर मस्जिद वहाबी या फिर बद मज़हब देवबंदी ख्यालात के लोग हों तो क्या हम नमाज़ कहाँ और कैसे पढ़ें, यानी ये कि क्या मस्जिद के बराबर में मकान हो सकता है, तो मस्जिद के बराबर में मकान हो सकता है, मस्जिद से बिल्कुल लगा हुआ भी मकान हो सकता है, और अगर मस्जिद के अंदर जो है वो आपके अकीदे के लोग नहीं हैं, यानी वहाँ जो इमाम है वो आपके अकीदे का नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपको अपनी नमाज़ पढ़नी चाहिए या किसी और सुन्नी मस्जिद का रुख करना चाहिए कि जहाँ पर सही अकीदे का मुसलमान इमाम हो, ना कि कोई बद मज़हब, ना कि कोई वहाबी या फिर और कोई दूसरे बातिल अकीदे का शख्स हो। तो अगर ऐसी सूरत है तो आपको नमाज जो है वो या तो आप मस्जिद में अपनी तनहा नमाज़ पढ़ें या फिर अपने घर के अंदर तनहा पढ़ें, या फिर अगर इलाके में कोई और मस्जिद ऐसी हो दूसरी के जहाँ सही इमाम हो तो वहाँ जाके नमाज़ पढ़नी चाहिए। और इसके बारे में मैं पहले भी कई मरतबा वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट देखेंगे एक मरतबा रद्दे वहाबियत की तो आपको इंशाल्लाह उसके अंदर वीडियो मिल जाएगी। पत्थर दे